सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। तो घर वापसी जाने के लिए ये मजदूर वर्ग बेचैन है। आप MH1 टीम ने जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। कोरोना के कहर के चलते विश्व का एक तिहाई हिस्सा लॉकडाउन है। भारत में भी पूरी तरह लॉकडाउन के 3 दिन हो चुके हैं, मगर क्या सारा देश घरों में बंद है? जवाब है नहीं। रोजी रोटी की तलाश में दूर गांव देहात से देश की राजधानी दिल्ली में पलायन कराए लोगों को आज यहां से पलायन करना पड़ रहा है। जब गांव में रोजी रोटी कमाने का कोई साधन नजर नहीं आया, तब इन लोगों ने दिल्ली से उम्मीद लगाई। दिल्ली ने भी इन्हें बड़े प्यार से अपनाया और इनको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। लेकिन आज कोरोना के प्रकोप ने दिन रात दौड़ने वाली देश की राजधानी दिल्ली को वीरान कर दिया। रोजगार को आए सारे दिल्ली प्रेमी अब इनसे डरने लगे हैं। पूरा देश लॉकडाउन है, बेवजह घर से बाहर निकलने की अनुमति तक नहीं है। ऐसे हालात में ये भूखे प्यासे सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करने के लिए निकल पड़े। पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन है, 21 दिन का लॉकडाउन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस किया है, उसके बाद पूरा देश बंद पड़ा हुआ है। मगर जो स्थिति जानने आज हम निकले हैं, वो दिल्ली की उस स्थिति को जानने निकले हैं, जो मजदूर वर्ग है, जो डेली काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर हैं, वो किस तरह से अपने घर जाने को बेताब हैं। दिल्ली में उनके पास काम नहीं है, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, पूरा आप नज़ारा देख सकते हैं यहाँ पर। लगातार आपको यहाँ लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं दिखेगी। अपने कंधों पर बैग टांगे हुए, झोला लटकाए हुए आदमी, औरत, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई घर जाने को बेताब है। बात जब इनसे करी गई तो उनका कहना है कि इतनी दूर दूर जाने को पैदल जाने के लिए भी तैयार हैं। सबसे बड़ी विवशता यहाँ पर यह है कि वो यहाँ से बिहार जाने को, यहाँ से कानपुर, सीतापुर, हर जगह जाने को तैयार हैं। और ये जो भीड़ है, यहाँ से कश्मीरी गेट जाने के लिए पहले कोशिश कर रही है कि कश्मीरी गेट से कहीं उनको बस मिल जाए। व्यवस्थाएं क्या हैं, क्या एडवाइजरी जारी हुई है, सब कुछ हम आपको बताएंगे आज इस रिपोर्ट में। सरकार के क्या इंतजाम है और लोग क्या अपने घर तक पहुंच पाने में सफल हुए हैं, ये पूरी बात हम आपको आज इसको इस रिपोर्ट में बताएंगे। और आपको कोशिश करेंगे ये बताने की जो लॉकडाउन है, लोग घर में हैं, घर में सब कोई नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर जाना चाह रहे हैं। बेशक सरकार की तरफ से कहा गया है कि आप अपने घर में रहिए, मगर जब कुछ खाने को नहीं होगा, बात पेट पर आ जाती है, तो अपना घर ही दिखता है। ये वो लोग हैं जो अपने टूटे सपनों की पोटली सिर पर रख मन में निराशा के साथ वापस अपने गांव को लौट रहे हैं। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच अनहोनी की आशंका के डर से पलायन करने वाले प्रवासी मजदूर और गरीब कामगारों का सैलाब राजधानी की सड़कों पर हर तरफ दिखाई दिया। दिल्ली यूपी बॉर्डर के पास हजारों की संख्या में लोग परिवार और सामान के साथ अभी भी जमे हुए हैं। करनाल बाईपास पर सैकड़ों लोग बसों के इंतजार में सुबह से भूखे प्यासे खड़े हैं। मैं इस वक्त करनाल बाईपास पर खड़ा हूं, जहां पर मेरे पीछे मेरे आगे तमाम लोग हैं जो अपने घरों को जाने के लिए बेताब हो रहे हैं। ना कोई बस मिल रही है, ना कोई गाड़ी मिल रही है। सुबह से जब उनसे पूछा उन्होंने क्या खाया है, तो उनके पास जवाब था सिर्फ दूध और बिस्किट और चाय ही पी हुई है। यहाँ पर तमाम लोग हैं जो परेशान हैं, जिन्होंने खाया नहीं है। पीछे आप देख सकते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खाना बांट रहे हैं यहाँ पर लोगों को, क्योंकि सिर्फ चाय और बिस्कुट से पूरा दिन नहीं बीतता है, खाना चाहिए होता है लोगों को। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मदद की कोशिश कर रहे हैं उनसे खाना बांटने की। जी बिल्कुल, हमारी संस्था एक छोटा सा प्रयास है, जब तक लॉकडाउन है 14 तारीख तक हम डेली 500 पैकेट फूड प्रोवाइड, मास्क लगा लीजिए सबसे पहले जी, 500 पैकेट हम डेली फ्रूट प्रोवाइड करेंगे लोगों को जो यहाँ से रस्ते में हैं, या फिर जो लोग झुग्गी झोपड़ी में जिनको खाना प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, जो भूखे हैं, उन लोगों को हम प्रोवाइड करें। कल से हमने स्टार्ट किया है मुहिम, और 14 तारीख तक या उससे भी आगे ब्रेकडाउन रहता है, लॉकडाउन रहता है, तो उससे आगे तक भी हम जो लोग, हमारी कोशिश है कि हम आगे जो है फूड प्रोवाइड। धन्यवाद। आप कहाँ जा रहे हैं? सर जी हमारे को जाना है आनंद विहार जी। हमारे को गाड़ी नहीं मिल रही है, कोई बस नहीं मिल रही है। नहीं, हम उत्तम नगर से पैदल आ रहे हैं। कुछ खाया है आपने सुबह से? सर जी अब खाया है कुछ, दुकान भी नहीं खुल रही सर जी, ना कुछ खुल रहा। अब ये लेके सर जी ने दिया है जो अब खाएंगे, बस अभी तक हम है आनंद विहार जाना। कोई कहाँ जाएंगे? आनंद विहार से कहाँ जाएंगे? आनंद विहार से गाजियाबाद जाना है सर जी। अब यहाँ कहाँ खाएं, सब कुछ बंद है, रोज के कमाने वाले सर थे। आप फैक्ट्री में काम करते हैं? हाँ जी, फैक्ट्री बंद, सब कुछ बंद, सब कुछ बंद है सर जी बिल्कुल। पिछले 3-4 दिन से कहाँ रह रहे हैं, क्या खा सर जी? यहाँ तो अभी तो मौसी के यहाँ रह रहे थे। हाँ बस।
तो देखा आपने यहाँ पर हाल, लोग जिस तरह से बता रहे हैं उनके पास खाने को नहीं है, 3-4 दिन तो अपने रिलेटिव के यहाँ उन्होंने गुजार लिए, लेकिन अब जब आगे की बात आई तो वो बसों का इंतजार कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है बसेस की यहाँ पर, लेकिन जो बसेस हैं उनसे ही काम चल रहा है लोगों का। आनंद विहार जाने की कोशिश इसलिए ज़्यादा है कि वहाँ से जो बसें हैं वो यूपी के लिए, हरियाणा के लिए हर जगह से अवेलेबल होती हैं। कितने लोग पहुंच पाते हैं, लोगों की संख्या ज़्यादा है, बसों की संख्या कम है, सिस्टम किस तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को पूरी तरीके से भर कर नहीं ले जा पा रहा है, ये हमारी दिखाने की कोशिश है कि जितने लोग हैं यहाँ पर पहुँच जाए। पूछने पर बस एक ही बात ये लोग कह रहे हैं, हम अपने गांव जा रहे हैं। ये पूछने पर कि सरकार खाने की व्यवस्था कर रही है और आर्थिक मदद भी दी जा रही है, तो फिर पलायन क्यों कर रहे हैं? मजदूरों ने कहा उनको अब अपने घर ही जाना है, पैदल ही अपने अपने गांव की ओर निकल पड़े। मजदूरों के चेहरे पर कोरोना के खौफ से ज्यादा अपने गांव पहुंचने की बेताबी नजर आई। एक सवाल ये उठता है कि जब सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया तो ये लोग घर से बाहर क्यों निकल रहे हैं? क्या इन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? इसका जवाब ये है कि दिल्ली में अगर आप देखेंगे जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद पड़ी हैं। ये वो लोग हैं ज़्यादातर जो सड़क पर हैं, जिनके पास घर नहीं है, ये उस फैक्ट्री में ही काम करते हैं, उस फैक्ट्री में ही सोते थे, उस फैक्ट्री में ही खाना मिलता था इनको। अब जब वो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं ये सड़क पर आ गए हैं। इन्हें कोरोना बीमारी क्या मारेगी जब इन्हें किनका खाली भूख, खाली जो इनका पेट है वो इनको मार रहा है। तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं, जब से हम गाड़ी लेकर निकले हैं तब से हमें लगातार ये सड़क के किनारे किनारे लोग जाते हुए दिख रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, इंडिया के किस कोने में जा रहे हैं, शायद मुझे नहीं लगता कोई कोना ऐसा बचा होगा जहाँ से लोग जाने वाले ना हों। देश की राजधानी है दिल्ली, दुनिया देश भर से लोग आते हैं, मजदूरी करते हैं यहाँ पर। जितने हाई क्लास वर्ग हैं वो इस वक्त अपने घर में हैं, वो क्वारंटाइन को इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन इनका जो टाइम है वो इनको सड़क पर ले आया है। ये मजबूर हैं सड़क पर भूखे पेट चलने के लिए। जब आपका पेट भी ना भरा हो और आप लगातार चल रहे हो इस कड़ी धूप में, समझ सकते हैं क्या कंडीशन है इनकी। घरों में बैठकर क्वारंटाइन अच्छा लग रहा है, हम इंस्टाग्राम पे स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर शेयर कर रहे हैं तमाम चीज़ें, मगर जो रियल इंडिया है, जो भारत है, जो हिंदुस्तान है, वो इस लॉकडाउन के बाद सड़कों पर आ गया है। पलायन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इन्हें समय समय पर खाने पीने की चीजें उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाई। खाना खाते वक्त जब हमने इनसे पूछा कि आखिरी बार 2 रोटी कब खाई थी, तो जवाब आया 3 दिन पहले। खाना आप लोगों ने कल से नहीं खाया है? 3 दिन हो गए, वर्षों से 3 दिन से खाना नहीं खाया आप लोगों ने? राशन खत्म हो गया था। आज आपको यहाँ खाना मिला? कल 12 रसोई सारे दिया गया है। पूरी सब्जी है खाने में? हाँ, पूरी सब्जी है। इसको खाने के बाद इंतजार कर रहे हैं बस का जाने के लिए? बस का इंतजार है बिल्कुल। इन्हें देखिए, गोद में छोटा बच्चा है मगर काम न होने से जेब खाली है, मजबूरी में दिल्ली छोड़ना पड़ रहा है। मैडम कहाँ जाना चाह रही हैं? हम जाएंगे यूपी। यूपी? बस का इंतजार कर रही हैं आप? किसने आपको बताया कि बसेस चल रही हैं, बसेस मिल जाएंगी? ऐसे एक दूसरे से सुनने से आए हम लोग। कोरोना फैला हुआ ऐसा कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, दूर दूर लोग रहने चाहिए, मगर आप लोग क्यों घर जा रहे हैं? क्या करूं, खाने को नहीं है, कमाने का नहीं है, क्या करें? कभी किसी ने ये सोचा होगा कि ऐसे दिन आ जाएंगे जब ट्रॉली पर पैडल मारते मारते 235 किलोमीटर दिल्ली से आगरा जाना पड़ेगा। विकास के चक्के पर जब ब्रेक लग गया हो तब कितनी भी सड़कें क्यों ना नापनी पड़े, इंसान अपने घर चाहे जैसे पर जाता ही है। कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को लेकर? हम जी सर आगरा जा रहे हैं। आगरा जा रहे हैं ठेले पर? हाँ जी। ठेले से लेकर? हाँ जी सर। काम? हाँ जी जी, यहाँ से आगरा जा रहे हैं हम ठेले लेके। काम धंधा नहीं चल रहा सर, क्या करें? अब लोग यहाँ से आगरा, आपको पता है ना कितनी दूर है, तो आप इसको चला कर ले जाएंगे, कब पहुँचेंगे? सर 2-3 पैदल जा सकता है, ये पैदल सब जा रहे हैं तो हम रिक्शा लेके जा रहे हैं। खाना पीना कुछ खाया नहीं खाया? पैसे जेब में? ऊपर वाला, ऊपर वाला करेगा सर सब। इनमें से एक से ऐसे हालत में वापस जाने का कारण पूछा तो बोला मेरी कंपनी ही बंद हो गई, रोजी का अब कोई साधन नहीं है, बड़ी उम्मीद से आए थे, अब निराश होकर घर को लौटना पड़ रहा है। सुबह तो कुछ नहीं खाया, जो रोड पे खाना बट रहा है, कोई मिला है?
कब से निकले आप लोग, कब से चल रहे हैं? सुबह 4 बजे से, सुबह 5 बजे से चल रहे हैं लगातार। कभी इधर से लौटा देते, कभी इधर से लौटा देते, ऐसे चक्कर काट रहे हैं। कभी कहते हैं कि अपने कश्मीरी गढ़ से बस चलनी है, कभी कहते हैं उधर से चलनी है, कभी कहते हैं गलियों से जाओ, अब जाए कहाँ से? अगर जाने वाले, अगर हमारे यहाँ कोई होता है बाजार जैसे अपना घर मकान होता तो हम रुकने को, कोई हमारे को शौक तो नहीं है कि हम पैदल जाए इतनी दूर, किसी को शौक होती है, कोई शौक में तो नहीं जाता। पिछले 2 दिन से दिहाड़ी मजदूरों के दिल्ली और दूसरे महानगरों से पलायन की खबरों के बाद अब सरकारें भी हरकत में आने लगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इन मजदूरों की मदद के निर्देश दिए हैं। बसें चलाने का भी ऐलान किया गया, मगर सवाल है कि कोरोना जैसी घातक महामारी के बीच इतनी बड़ी भीड़ को सही सलामत लॉकडाउन में भी घर पहुंचाने में क्या हमारा सिस्टम वाकई समर्थ है? इस भीड़ को देखिए, इस भीड़ को समझिए, और जो लॉकडाउन है, जो लॉकडाउन घोषित किया गया है, उसको भी समझिए। लॉकडाउन का मतलब है अपने घर में रहना, कोरोना जैसी भयानक बीमारी से बचना, मगर ये जो भीड़ है, ये जो हिंदुस्तानी लोग हैं, वो इस वक्त उनके पास काम नहीं है, रोजगार खत्म है, वो अपने घर जाने को मजबूर हैं। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है, मगर उसका उल्लंघन हो रहा है, ये कहना भी गलत होगा। शायद ये लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने घर जाने के लिए परेशान हैं, भूखे पेट खड़े हुए हैं। यहाँ पर जितनी बसें इस वक्त कश्मीरी गेट से सब आनंद विहार ले जाई जा रही हैं। आनंद विहार वो जगह मैं आपको बता दूँ जहाँ से पूरे देश भर के लिए बसें मिलती हैं। ये बसें उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई हैं, योगी आदित्यनाथ ने परसों इसकी घोषणा की कि उन बसों, यूपी रोडवेज की बसों को यूपी भर के 80 नए जगह पर चलाया जाएगा। अब वो बसें क्या इतनी काफ़ी होंगी, जितनी हजारों लाखों की भीड़ है उससे ये ले जा पाएंगे, सबको अपने घर पहुंचा पाएंगे नहीं पहुंचा पाएंगी, ये देखना होगा। कैमरा पर्सन आदित्य पांडे के साथ उत्कर्ष अवस्थी, MH1।